गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अनअकैडमी पर स्वागत है। एक बार मुझे बता दें, ऑडियो वीडियो क्वालिटी सारी क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओलंपिक में हम पूरा थियरी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, कब क्यों कैसे क्या कहाँ किसने, और फिर हम उस पर रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक का MCQ एक बार डिस्कस करेंगे। चलें, आप जानते हैं कि ओलंपिक वर्ल्ड का सबसे मेन या सबसे बड़ा गेम माना जाता है, और ओलंपिक एंशिएंट टाइम से चल रहा था ग्रीस में। अभी हमें जो डिस्कस करना है वो मॉडर्न ओलंपिक से डिस्कस करना है। तो हमने कहा कि ये इसमें लगभग विश्व के सबसे अधिक देश पार्टिसिपेट करते हैं, और ये एग्ज़ाम में आता है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। तो अभी स्टैटिक जीके को देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में आने लगे हैं। और ओलंपिक गेम हम जनरली कितने सालों पे करते हैं, तो हम जान रहे हैं कि ये 4 ईयर पे करते हैं, 1896 में पहली बार शुरू किया गया था। अभी आएंगे ज़्यादा आगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। और फिर एक होता है विंटर ओलंपिक, शीतकालीन, ये भी 4 साल के गैप पे होता है, लेकिन दोनों के गैप को देखा जाए तो 2-2 साल का गैप होता है। और साथियों, जो भारत का ओलंपिक है, सॉरी जो ये ओलंपिक है, इसकी शुरुआत हमने कहा था कि ग्रीस में ओलंपिया से हुई थी, और ये 8th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC तक आयोजित किए गए थे। जो मॉडर्न ओलंपिक के फादर कहे जाते हैं, आधुनिक ओलंपिक के पिता, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, बैरन पियरे डी कुबर्टिन को कहते हैं। इन्होंने क्या किया, 1894 में एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस्टेब्लिश की। 1894 में ये क्वेश्चन आता है कि किसने एस्टैब्लिश की थी, कब एस्टैब्लिश की थी, अभी हम इसको और डिटेल डिस्कस करेंगे। तो 1894 में इनके नेतृत्व में ये स्थापित की गई थी। तो इनका नाम याद रखना है, बैन पियरे डी कुपेटन। और अभी इसका जो हेड ऑफिस है वो है स्विट्जरलैंड में, लुसियाने में है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो हमने कहा कि लुसियाने में है। दूसरा आता है, ये किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट ही जानना है, जब कोई ऐसी संस्था जिसमें कई सारे देश मेंबर के रूप में कार्य करते हों, तो उनको हम किस रूप में डिफाइन करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और हमने कहा कि 1894 में एस्टैब्लिश हुआ, इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड लुसियाने में है, और यही सारा का सारा ओलंपिक करवाती है, चाहे विंटर ओलंपिक की बात आए, समर ओलंपिक की बात आए। और वर्ल्ड के जितने नेशनल ओलंपिक कमेटी, जैसे भारत का भी नेशनल ओलंपिक कमेटी है, इन सभी को मान्यता देने की जिम्मेदारी, वैलिडिटी देने की जिम्मेदारी भी इसी की है। इन्होंने 106 कंट्री को आज के डेट में, सॉरी 206 कंट्रीज को एज अ नेशनल ओलंपिक कमेटी का दर्जा दिया हुआ है। और इसके जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन हैं, ये 9th चेयरमैन हैं, थॉमस बाग, 2013 से हैं, और ये जर्मनी के हैं। तो ये भी क्वेश्चन अभी कई सारे एग्जामों में पूछा है। अभी SSC का पैटर्न देखेंगे तो स्टैटिक जीके का रोल ज़्यादा हो गया है। तो हमने दो बातें सीखी कि कुपेटर ने इस्टेब्लिश किया था, कहाँ लुसियाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है, और इसके चेयरमैन कौन है, तो हमने कहा थॉमस बाग हैं,
और ये इस समय इसके नाइन्थ चेयर हैं, चेयरमैन है, नौवें चेयरमैन है, और ये जर्मनी से हैं। और किसी भी देश को के ओलंपिक कमेटी को मान्यता देना ना देना, ओलंपिक कब होगा कैसे होगा, सारा का सारा डिसीजन लेने का अधिकार इन्हीं का है। अगला है, ये तो हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ है, क्यों है, कब एस्टेब्लिश हुई, कौन चेयरमैन है। ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक ध्वज कैसा है, तो ओलंपिक फ्लैग को यही बायरन डी कुविटर ने ही 1913 में बनाया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है किसने बनाया, और दूसरा पहली बार कब शुरू किया गया, तो 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प जगह पर जो ओलंपिक हुआ है वहाँ पर शुरू किया गया। अब देखें 1894, 96, 900, 904, 908, 912, 916 और 920। तो हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से ओलंपिक में शुरू किया गया था, तो कौन से ओलंपिक में, तो सेवेंथ ओलंपिक में शुरू किया गया, और कहाँ पर, एंटवर्प बेल्जियम में फ्लैग का उपयोग करना हमने जो शुरू किया है। और इसका फ्लैग कैसा है, तो ये पांच अलग अलग कलर हैं, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो ब्लैक कलर है दैट इज द रिप्रेजेंट द अफ्रीका, जो रेड कलर है ये पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, और दैट इज अमेरिका, नॉट यूएसए, अमेरिका वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। जो हमारा एशिया है वो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, जो यूरोप है वो, ये भी क्वेश्चन आता है कलर वाइज कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यूरोप ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है, और साथियों ऑस्ट्रेलिया ग्रीन कलर को, तो ये आपको याद रखना होगा। अफ्रीका का तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, दैट इज़ द ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से हम जानते हैं। अमेरिका अभी करेंट सिनेरियो से जोड़ना चाहें तो सबसे ज़्यादा खतरे में चल रहा है अभी, और एशिया येलो, यूरोप ब्लू और ऑस्ट्रेलिया ग्रीन। यहाँ पर हमने बता ही दिया है कि पांचों कलर किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इन पांचों को हम किस नाम से जानते हैं, ओलंपिक रिंग के नाम से। तो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी ओलंपिक रिंग्स, या ओलंपिक रिंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथियों दूसरा कौन सा ओलंपिक रिंग का कलर किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको याद रखना है। यहीं पर एक पॉइंट और भी हम सीख लेते हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वो है इंग्लिश और फ्रेंच, ये याद रखना, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, इन दो लैंग्वेजेस में हम जनरली काम करते हैं वहां पर। ओलंपिक मोटो, ये जब 1994 में ओलंपिक मोटो जो वर्ड आया, फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर, दैट इज द ग्रीक वर्ड सिटियस आल्टियस एंड फोर्टियस, ये कई बार एसएससी ने या कई सारे एग्जाम ने, रेलवे ने भी कई बार पूछा है ये कि व्हाट वाज द मोटो लैंग्वेज या मोटो सेंटेंस या व्हाट इज द मीनिंग या किसने बनाया, तो हमने कहा था सारा का सारा काम कौन कर रहे हैं, पियरे डी कुबर्टन कर रहे हैं, तो इन्होंने ही मोटो का भी निर्माण किया था। और क्या है इसका, सीटीएस दैट इज अ फास्टर, आरटीएस हायर, फोर्टियस स्ट्रॉन्गर, हिंदी में। आप में से कल कुछ लोगों ने कहा था कि सर हिंदी में भी मैटर लाइए, तो आज जितना हमने मैटर लेके आए हैं, चाहे आपका क्वेश्चन के रूप में हो या थियरी के रूप में, हर चीज़ को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आए हैं। एक दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे, यदि मान लीजिए आपको क्लियर ना दिखता हो तो आप बोल देंगे मैं उसको जूम कर दूंगा ऐसी स्थिति में, तो क्लियर है इसका सी टी एस, एल टी एस एंड फोर्टी एस का मतलब क्या है, किसने डिज़ाइन किया, कब आया था।
चले। ओलंपिक फ्लेम के बारे में थोड़ा जान लें। ओलंपिक लॉ जो है, ज्योति जो है, ये किस चीज का सिंबल है? इट इज अ सिंबल ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, जो हमारा ओलंपिक आंदोलन है, जो हमारी ओलंपिक सक्रियता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, निरंतरता को, जैसे अग्नि लगातार जलती रहती है एनर्जी के साथ, उसी तरीके से दैट इज कंटिन्यूटी। और ये जब भी ओलंपिक शुरू होने वाला होता है किसी जगह पे, तो उससे पहले इस ओलंपिक मशाल को जला दिया जाता है। कहाँ पर? ग्रीस में। और जहाँ पे भी मैच शुरू होना है वहाँ पर जला करके रखते हैं, और जब ओलंपिक ख़त्म हो जाता है तो फिर लास्ट में हम उसको बुझा देते हैं। आप जानते होंगे कि ओलंपिक गेम कितने दिन में पूरा करना होता है? 16 डेज में, 16 दिन में। तो एक भी ये क्वेश्चन बन सकता है कितने दिन तक जला के रखते हैं वहाँ पर। पहली बार किस ओलंपिक में इसका यूज किया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहली बार हम समर ओलंपिक एम्स्टर्डम में 1928 में इसका यूज कर रहे हैं। ये वो ईयर है जिस साल भारत ने पहला गोल्ड हॉकी में जीता है। क्लियर है? ऐसे भी याद रख रखना है। हम आज डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे हॉकी हमारा कितना बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। तो दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि भारत का पहला, और ये कौन सा ओलंपिक था? दैट वाज द 9th ओलंपिक। तो पहली बार हमने यहाँ पर 1928 में इसका यूज किया है। शुरू में हम इसका यूज हमने सिर्फ और सिर्फ समर ओलंपिक में किया है, जो ये लाइट है, ज्योति है, या ओलंपिक फ्लेम जो बोल रहे हैं। बाद में आकर के हमने विंटर ओलंपिक में भी इसको शुरू किया। तो यदि हमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किस विंटर ओलंपिक में, दैट इज 1936 का जो विंटर ओलंपिक हुआ है उसमें शुरू किया गया है। चलो, तो दो बातें हमने सीख ली कि विंटर फ्लेम कब शुरू किया गया, हमने लिंक लगा दिया आपको कहाँ से, 1928 स्टार्डम, और कब 9। फिर हमने कहा कि 1936 में इसको विंटर ओलंपिक में भी शुरू किया गया है। और हमने इससे पहले आपको फ्लैग का बताया था, फ्लैग कब? 1920 सेवेंथ ओलंपिक से। ओलंपिक मस्कट शुभंकर क्या होता है? हर ओलंपिक के टाइम हम कुछ ना कुछ मस्कट का यूज करते हैं, और ये हमने 1972 से शुरू किया है म्यूनिक में। और ये कौन सा ओलंपिक था? 20th। तो तीन फैक्ट आपके पास आ गए हैं। पहला, फ्लैग कब यूज किया हमने, तो हमने कहा 1920 वाले में। लैंप कब यूज किया है, लाइट कब यूज किया है? 1928 वाले में। और मस्कट कब यूज किया है, तो हमने 1972 में म्यूनिच। चलें, यहीं पे हम बोल देते कि ओलंपिक वालों को ओथ दिलाने की प्रक्रिया कब शुरू की गई, तो दैट इज 1956 वाले में। यह आएगा आगे, हालांकि यहां से भी क्वेश्चन आता है इनॉग्रल सेरेमनी में सबसे आगे कौन होगा, सबसे लास्ट में कौन होगा। तो जब भी किसी देश में इनॉग्रल सेरेमनी होगा तो सबसे आगे ग्रीस होगा, क्योंकि ग्रीस ने शुरुआत किया था, और सबसे लास्ट में वो होगा जो होस्ट कंट्री है, और बाकी लोग कैसे होंगे? अल्फाबेटिकल। मान लो ग्रीस होस्ट पहला हो गया, मान लो चाइना है तो वो चाइना लास्ट में जाएगा, और बाकी लोग अल्फाबेटिकली इस क्रम में चलते रहेंगे। और किस वाले से? इंग्लिश के अल्फाबेट से चल रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, पहला पोजीशन किसको होगा और आखिरी किसको होगा।
कब की बात हो रही है? इनॉग्रेटेड सेरेमनी की बात हो रही है, जब शुरुआत होगा किसी देश में। और जब ये लोग जा रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं? फ्लैग लेकर के वेलकम के रूप में शुरुआत कर रहे होते हैं। और लास्ट में जब समापन होगा, ये तो था कि अब आज लास्ट है, तो जो देश होस्ट हैगा वो अपने हिसाब से अपना कल्चरल परफॉर्मेंस करेगा, अपने नेशनल एंथम के साथ, अपने संस्कृति के हिसाब से। और फिर उसी दिन लास्ट में हम फ्लेम को, ज्योति को बुझा देते हैं, और बुझाने के बाद ऑफिशियली हम मान लेते हैं कि हाँ आज ये हमारा ओलंपिक खत्म हो गया है। और चाहेंगे तो कुछ हम वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ या डांस प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोग्राम को भी आयोजित कर सकते हैं। कुछ काम के फैक्ट जो हमें जानने चाहिए। हमने दो तीन बातें बताई अब तक। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हमने बता दी, हमने बता दिया कि लैंग्वेज क्या है इनका, कब एस्टेब्लिश हुआ, किसके सहयोग से हुआ, फ्लैग कब आया, फ्लेम कब आया, ये सारे कुछ हमने बता दिया है। अब जो ओलंपिक गेम की जो शुरुआत मानी जाती है वो 8th century BC में, दैट इज़ द 776 BC, और किस गॉड, तो दैट इज ग्रीक गॉड ज्यूस के सम्मान में मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो शुरुआत की गई किस देवता के सम्मान में, तो ज्यूस के सम्मान में, ग्रीक देवता। जो मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुआ है वो कहाँ से? एथेंस में 1896 में। इसमें कुल 13 देशों ने हिस्सा लिया था। अभी अलग इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि इस वाले पहले ओलंपिक में ना तो भारत ने हिस्सा लिया था और ना ही महिलाओं ने हिस्सा लिया था। तो दोनों बातें हो सकती हैं। क्या पहले ओलंपिक में भारत ने हिस्सा लिया था? जवाब है कि नहीं, कुल 13 देशों ने हिस्सा लिया था, भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि महिलाएं कब पहली बार शामिल हुई, तो जस्ट अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि सेकेंड ओलंपिक में भारत भी शामिल होता और महिलाएं भी शामिल होती है। और भारत की तरफ से एक एंग्लो इंडियन है जो पहले 2 मेडल लेकर के आएंगे, तो अभी जस्ट उसको भी देखेंगे। तो अभी तक दो बातें हमने सीखी हैं कि किस गॉड के सम्मान में, कब, और दूसरा मॉडर्न ओलंपिक कहाँ से और किसके, किस ईयर में। ये हमने सीख लिया था कि फ्लैग को 1913 में बनाया गया था लेकिन यूज किया गया 1928 में। फिर हमने सीखा था ओलंपिक फ्लैम एम्स्टर्डम में 1928 और फ्लैग एंटवर्प 1920। दूसरा हमने कहा था कि महिलाएं कब शामिल होना शुरू हुई, तो 1900 सेकेंड ओलंपिक से। यही हमारे लिए काम का ही पॉइंट है। भारत पहली बार किस ओलंपिक में शामिल हुआ, तो भारत भी पहली बार इसी ओलंपिक में शामिल होगा, दूसरे में, फिर बाद में कुछ टाइम के लिए एब्सेंट हो जाएगा, अभी देखेंगे। और फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, दैट वाज द नॉर्मन पिचर्ड। ही वाज अ एंग्लो इंडियन और बेसिकली ही वाज फ्रॉम कोलकाता, और उन्होंने इस ओलंपिक में, सेकेंड ओलंपिक में ही 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। किसमें? एथलेटिक्स में। यानी भारत पहली बार शामिल होता है और उसमें भी मेडल लेकर के आता है। और उस व्यक्ति का नाम क्या होगा? नॉर्मन पिचर्ड। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है। भारत की तरफ से पहली महिला जिसने पार्टिसिपेट किया, तो मैरी लीला रो। और पहली महिला जिसने जीता है, कर्णम मलेश्वरी, आगे आएगा जस्ट। तो दोनों अलग अलग पॉइंट है। पहली महिला जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, मैरी लीला रो, और पहली महिला जो जीती, दैट इज द कर्णम मलेश्वरी। आप जानते भी होंगे उनके बारे में, आता रहता है खूब एग्जाम में हो। सबसे अधिक मेडल जीतने वाली महिला पूरे ओलंपिक में, पूरे वर्ल्ड में, तो दैट इज लेरिना लवानिया है, जिन्होंने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 18 मेडल विथ 9 गोल्ड मेडल। और सबसे अधिक, द मैक्सिमम गोल्ड मेडल विनर स्पोर्ट्स वुमेन इज क्रिस्टिना ओटी। एक गेम में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने का खिताब इनके पास है, दैट इज द क्रिस्टिना ओटी, 6 गोल्ड मेडल। इन्होंने टोटल 9 जीता है लेकिन एक में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने का खिताब। तो इतना डीप में नहीं आकर के, हालांकि ये अपने आप में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही निकाला है, यदि डीप में जाएंगे तो यहीं तक
क्वेश्चन रहेगा एसएससी का या किसी भी एग्जाम का, हालांकि आज हम इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। कमेंट करके बता देंगे कि बहुत स्पीड हो रहा हो तो, बहुत धीमा हो रहा है तो, कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो, क्योंकि अभी हम लोग पहली बार सीख रहे हैं पीपीटी के थ्रू पढ़ाना, तो इसमें आपके सजेशन का वेलकम है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर थोड़ा स्पीड धीमे कर दीजिए, थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर दीजिए, या कुछ साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका सजेशन वेलकम है। सबसे अधिक मेडल जीतने वाले या गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर जो हैं माइकल फिलिप्स हैं, जिन्होंने एक स्पोर्ट्स में 8 गोल्ड मेडल जीता बीजिंग ओलंपिक में। और माइकल फिलिप्स को आपने देखा हो, आप जानते होंगे इनके बारे में, स्विमर हैं। चलें, और ये अमेरिका के हैं। एकमात्र शहर सिटी जिसने 3 बार ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया, दैट इज लंदन। सबसे अधिक बार ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने वाला कोई देश है तो वो है यूएसए, 4 बार, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई शहर सिटी स्पेशली कोई प्लेस पूछा जाए जिसने सबसे अधिक बार ओलंपिक किया, तो दैट इज ब्रिटेन का लंदन, जिसने 3 बार ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया, 1908, 1948 और 2012। तो देश वाइज पूछा जाए तो यूएसए, और जगह के नाम से पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम, ब्रिटेन। सर इसमें विंटर ओलंपिक किया है या समर ओलंपिक? हमने समर ओलंपिक को मेन फोकस में रहा है, विंटर ओलंपिक भी थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम्स में मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो समर ओलंपिक ही पूछा जाता है, यही मेन ओलंपिक है। विंटर ओलंपिक तो है ठीक है, उसमें देश ही कितने लेते हैं, 13 देश भाग लेते हैं, बहुत लिमिटेड। लंदन ओलंपिक की खास बात क्या रही, हमारे सिंगर ए आर रहमान ने भी पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से पहला इंडिविजुअल मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जीता है केडी जाधव ने 1952 में कुश्ती में, हेलेंस्की में। वैसे तो ओवरऑल में किसने जीता है, नॉर्मन पिचर्ड ने, लेकिन आजादी के बाद पहला किसने जीता, केडी जाधव। और डीप बताइए निका, मैं भी क्वेश्चन करूंगा तो बताना, उतना ही बताऊंगा ना जितना तेरे एग्जाम का है। डीप अभी खत्म नहीं हुआ, रुक तो जा, अभी एक एक करके सारे ओलंपिक की बात करेंगे। यह है फर्स्ट ओलंपिक, पहला ओलंपिक 1894, 1894 कहाँ पर, एथेंस ग्रीक। टोटल देश कितने पार्टिसिपेट किए, 13। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, नहीं पार्टिसिपेट किया। सेकेंड ओलंपिक 1900, ये दो चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक, पहली बार फीमेल पार्टिसिपेशन होता है और इंडिया पार्टिसिपेट करता है, और इंडिया की तरफ से नॉर्मन पिचर्ड 2 सिल्वर मेडल लेकर के आते हैं। यानी शुरुआत हमारी किसे हुई है, सिल्वर मेडल से। चले तो ये दो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत कब पार्टिसिपेट किया। अब भारत ने थर्ड वाले में पार्टिसिपेट नहीं किया, फोर्थ में पार्टिसिपेट नहीं किया, फिफ्थ में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्लियर है, 1904, 1908, 1912 में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, और 1916 तो अपने आप में कैंसिल हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। आप जानते हैं कि 3 बार ओलंपिक कैंसिल हुआ है, 1916, 1940 एंड 1944। ये 2 बार सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण और एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण।
तो भारत एक तरीके से इन तीन में तो पार्टिसिपेट नहीं करता और 16 में होता ही नहीं है, तो फिर भारत कब पार्टिसिपेट करेगा दोबारा वो देखो। 1920 में आ जाओ, और 1920 में भारत ने दोबारा पार्टिसिपेट किया एंटवर्प बेल्जियम, और ये किस लिए फेमस है एंटवर्प बेल्जियम वाला, तो हमने कहा था इसमें फ्लैग का पहली बार यूज किया गया झंडे का, देखो यहां पे दिया भी है, और इसमें भारत को कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन अब शुरू होगा जब भारत के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते चले जाएंगे, अब आपको मजा आएगा। अब आया 1924, अच्छा हाँ यहाँ पे भी कुछ खास नहीं रहा, भारत को कोई मजा कोई पद क्या कोई रैंक कोई मेडल नहीं मिला। अब आते हैं वो जब भारत के लिए शुरुआत हुई, ये इम्पोर्टेंट रखना है, कौन सा ओलंपिक, 9th ओलंपिक 1928, इसमें क्या किया था हमने, फ्लैम शुरू कर दिया था, और भारत ने एक गोल्ड मेडल लिया एज ए टीम हॉकी 28 में एक गोल्ड मेडल लिया एज ए हॉकी, और कहाँ पर ये ध्यान रखना, एम्स्टर्डम हॉलैंड, और इसी में हमारा फ्लैम ज्योति की शुरुआत की गई। फिर 32 में गोल्ड मेडल हॉकी, और फिर 36 में गोल्ड मेडल हॉकी, आप देख रहे हैं 1928, 1932, 1936, अब दुर्भाग्य ये है कि 1940 और 44 में तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। ये वो टाइम है जब हमारे मेजर ध्यानचंद टीम के कैप्टन है 1936 वाले में। और हमने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण 1940 और 1944 कैंसिल कर दिया गया। फिर आता है 1948 का ओलंपिक आफ्टर इंडिपेंडेंस, और फिर भारत एक गोल्ड मेडल लेके आता है हॉकी में आज़ादी के बाद। फिर आता है 52, और फिर 52 में भारत एक गोल्ड मेडल लेके आता है। क्लियर है? हालांकि लास्ट में हम आपको, और केडी जाधव पहले इंडिविजुअल बन जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मेडल लेके आते हैं ब्रॉन्ज मेडल, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है केडी जाधव को किस कब मिला, या भारत का पहला इंडिविजुअल जिसने आज़ादी के बाद जीता। चले फिर आएगा 1956, और थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी हम गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। अब 60 में थोड़ा सा गड़बड़ाए हम, और हम सिल्वर लेके आ रहे हैं, तो ये याद रखना है, लगातार जीत रहे थे, 1960 में हम आकर के थोड़े से गड़बड़ाते हैं और सिल्वर लेकर के आते हैं। 11 बार इंडिया ने हॉकी में मेडल जीता है। अब हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कब सिल्वर आया, कितनी बार सिल्वर आया, कितनी बार ब्रॉन्ज आया। फिर स्थिति को थोड़ी सी सुधारी गई और फिर गोल्ड मेडल लेके आए 64 में, और 68 में हम ब्रॉन्ज लेकर के आए। हॉकी में हम अच्छे रहे, लेकिन अभी देखोगे स्थिति फिर खराब होती चली आई है हमारी। 72 में फिर ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, तो आप क्या देख रहे हैं, 60 और 68, 1960 सिल्वर, एक साल गैप को एक गैप करके 68 में फिर ब्रॉन्ज, और 72 में फिर गोल्ड, सॉरी ब्रॉन्ज,
76 में हमें कोई भी मेडल नहीं मिला, हाल फिर हम 80 में अपने इज्जत को फिर बरकरार रखे और फिर हमें एक गोल्ड मिला है हॉकी में, और इस तरीके से हमारी संख्या आकर के यहाँ ख़त्म होगी। भारत को कोई मेडल नहीं मिला 84 में, 88 में कोई मेडल नहीं मिला, 1992 में कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला, सॉरी कोई मेडल नहीं मिला। तो कुल 11 बार भारत ने जीता है, जिसमें से एक बार ब्रॉन्ज और दो बार ब्रॉन्ज और एक बार सिल्वर। और फिर थोड़ा सा 1996 में स्थिति ठीक होगी और फिर हमें एक ब्रॉन्ज मिलेगा, किसके द्वारा? लॉन टेनिस में लिएंडर पेस के द्वारा। तो काफ़ी सालों से जो हमारा सूखा था, डेजर्ट आया था, वो लिएंडर पेस ने लॉन टेनिस में आकर के थोड़ा सा अच्छा किया। और पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी जब एक हमारे लिए देश के लिए मेडल लेके आएगी, दैट इज़ द 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया। और मेजर राजवर्धन सिंह राठौर सिल्वर लेकर के आएंगे। सिल्वर लेने वाला पहला व्यक्ति नॉर्मन एंग्जो एंग्लो इंडियन था, कब? 1900 में दो लेकर आया था और दोबारा 2004 में, लगभग 104 साल बाद हमें फिर सिल्वर मेडल मिला है एज ए इंडिविजुअल। बीजिंग ओलंपिक भारतीय इतिहास का सबसे बेहतरीन एज ए इंडिविजुअल अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल लेके आएंगे शूटिंग में। क्लियर है? चाइना बीजिंग। सुशील कुमार ब्रॉन्ज मेडल लाएंगे। सुशील कुमार के बारे में आप जानते हैं, रेसलिंग। बिजेंद्र कुमार बॉक्सर फिर ब्रॉन्ज मेडल लेके आएंगे। ये सब आपको याद रखना होगा कौन सा किसको कब, स्पेशली जो पहला है, जैसे गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने पहली बार जीत लिया। और 2012 का ओलंपिक हमारे लिए अब तक के अच्छे ओलंपिक में से एक ओलंपिक है। इंडिया कुल 6 मेडल जीतता है, जिसमें से 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिलते हैं। सिल्वर विजय कुमार लेके आते हैं शूटिंग में, सिल्वर सुशील कुमार लाते हैं रेसलिंग में, वही सुशील 2008 में ब्रॉन्ज लेकर के आए थे। अब 4 ब्रॉन्ज, गगन नारंग शूटिंग में ब्रॉन्ज, साइना नेहवाल बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, मैरी कॉम बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज, योगेश्वर दत्त रेसलिंग में। तो 2012 का लंदन ओलंपिक हमारे लिए, जिसमें से 6 मेडल प्राप्त होते हैं, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और 2016 का ओलंपिक, इंडिया का पोजीशन इसमें 67 था और इसमें भारत को एक सिल्वर सिर्फ मिला और एक ब्रॉन्ज मिला। इसका भारत की तरफ से लीड किसने किया यहाँ पर? अभिनव बिंद्रा ने। और भारत ने टोटल 123 पार्टिसिपेंट भेजे हैं। और कौन कौन है जीतने वाले? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन में सिल्वर लेके आई, और ये सिल्वर लाने वाली पहली महिला बन गई। और वैसे पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, लेकिन वो क्या लेके आई थी? ब्रॉन्ज। और साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज लिया था, यानी 2 ही मेडल। यानी अब तक का हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो रहा है 2012 का लंदन ओलंपिक, जिसमें हमने 6 मेडल जीते। और दीपा कर्मकार फेमस हैं, क्यों? भारत ने 1964 के बाद पहली बार किसी महिला को, जब से जिमनास्ट शामिल हुआ था, इनको भेजा था, हालांकि कोई मेडल नहीं मिला है। चले, भारत को अब तक जो टोटल मेडल मिला है
दैट इज 28, 9 गोल्ड, 9 में से 8 तो गोल्ड किसका है, हॉकी का, 5 सिल्वर, 1 सिल्वर हॉकी का, 12 ब्रोंज, 2 ब्रोंज हॉकी का, तो 8, 1, 9 और 2, 11 मेडल अब तक मिले हैं हमें। भारत ने किस किस ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था, तो पहले ओलंपिक में नहीं हिस्सा लिया था, फिर तीसरे, चौथे और पांचवे में नहीं लिया था, 1904, 1908, 1912, 6 ओलंपिक ऐसे हैं भारत को जब कुछ भी नहीं मिला, 1920 में हमें कुछ मिला ही नहीं, 24 में कुछ नहीं मिला, फिर लगातार 28 से चलते चले गए, 76 में भी कुछ नहीं मिला, 84, 1998, इतना हमें डिटेल नहीं जानना है। हाईएस्ट मेडल किस फील्ड में मिला है, तो हमने बोला हॉकी में, 8 गोल्ड अभी हमने सीखा, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, यह हमें जानना चाहिए। एकमात्र खिलाड़ी जिसने 2 बार मेडल जीता कौन सा हो गया, सुशील, हमने सीखा था नॉर्मन पिचर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 सिल्वर लेकर के आए थे। केडी जादव 1952 में, याद रखना केडी जादव का पूरा नाम खासबा दादा साहेब जादव रेसलिंग 1952, लिएंडर पेस है ना 1998 लेकर के आए हैं, कड़म मलेश्वरी पहली महिला, राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा शूटिंग गोल्ड, विजेंदर सिंह बॉक्सिंग, सुशील कुमार रेसलिंग, विजय कुमार शूटिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, मैरी कॉम बॉक्सिंग, गगन नारंग शूटिंग, योगेश्वर दत्त रेसलिंग, पीवी सिंधु बैडमिंटन और साक्षी मलिक रेसलिंग, इनका कम से कम फील्ड याद रखना है। नेक्स्ट जो ओलंपिक होना है था अभी 2020 का, जापान में होना था, शिफ्ट कर दिया गया है, कब के लिए, ये 2022 वाला शिफ्ट कर दिया गया, तो हमें ये याद रखना है कि अभी कॉमनवेल्थ ओलंपिक टोक्यो वाला ड्यू टू कोविड हमने हटा दिया है। चाइना का बीजिंग पहला प्लेस बन गया है पूरे भारत वर्ल्ड हिस्ट्री में जो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने वाला पहला सिटी, पहला शहर, पहला देश नहीं, पहला शहर, हालांकि 2022 में ये हो नहीं पाया है, लेकिन अभी पहला देश, पहला जगह बन जाएगा। अब थोड़ा बहुत विंटर ओलंपिक के बारे में जान लें, विंटर ओलंपिक भी 4 साल में होता है, कब पहली बार शुरू हुआ, 1924 में, अब ध्यान से देखो 1924 में समर ओलंपिक भी हुआ, विंटर ओलंपिक भी हुआ है, लेकिन बाद में डिसीजन हुआ कि नहीं अब एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। और कब डिसीजन किया गया, ये 1986 में, तो इतना डिटेल नहीं, लेकिन हमने मैटर दे दिया, आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। अब तक ये सिर्फ 12 अलग अलग देशों में ही आयोजित किया गया है विंटर ओलंपिक को। चले जो काम का है वो पॉइंट आपको एक बार दिखा देते हैं, 12 देशों ने हिस्सा लिया अब तक, सबसे अधिक विंटर ओलंपिक में जीतने वाला देश कौन सा है, अमेरिका ही है, और भारत ने विंटर ओलंपिक में 1964 में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन भारत को इसमें कुछ मिला नहीं है। 2022 का हमने कहा था बीजिंग में होने वाला है, 2026 का मिलान कॉर्टिना इटली में, अभी हमें यह दोनों याद होने चाहिए कम से कम,
ये क्वेश्चन हमें जानना चाहिए भारत की तरफ से 2018 का जो विंटर हुआ था वो कौन किसने उसका फ्लैग लिया था, शिव केशवन ने, और 2016 का जो समर हुआ है वो किसने, अभिनव बिंद्रा ने। ये दो याद रखने से, क्योंकि यही लास्ट वाले हैं, तो लास्ट वाले जब तक नए वाले नहीं होते तब तक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चले अगला है पैरा ओलंपिक, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पैरा ओलंपिक इज द डिफरेंटली एबल, पहले एक वर्ड यूज करते थे फिजिकली डिसेबल, जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, अब उस वर्ड को हम अच्छा ना मान करके ये करें जो जिन शारीरिक रूप से दूसरे तरीके से योग्य हैं उनके लिए। तो पहला पैरा ओलंपिक वर्ड जो लाया गया 1988 में लाया गया है, और पैरा ओलंपिक का भी दो होगा, एक समर और एक विंटर। तो समर वाला जो शुरू किया गया वो कब, 1988, और विंटर वाला 1976। चले पहले क्या था कि वही लोग हिस्सा ले सकते थे जो नेचुरली फिजिकली डिसेबल है, लेकिन बाद में देखा गया कि युद्ध में भी यदि कोई डिसेबल हो जा रहा है तो वो लोग भी आ सकते हैं। चले तो ये पैरा ओलंपिक से आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। जनरली यहाँ क्या क्वेश्चन होता है, उस साल कुछ रिकॉर्ड, मतलब जिस साल होता है उस साल कुछ अचीवमेंट रहा हो इंडिया का, भारत की तरफ से किसने लीड किया, वो ये बस हमें मैटर डालना था ताकि आपको ये भी माइंड में रहे कि सर कोई पैरा ओलंपिक नाम का भी कोई चीज़ होता है क्या। तो हमने कहा हाँ, एक बार थोड़ा बहुत इसके बारे में रीड कर सकते हैं। चलें तो जितनी हमें थियरी बतानी थी वो हमने बता दिया है, और हमने कोशिश किया है दोस्तों कि आप एक एक चीज़ को सीख पाएँ, समझ पाएँ, और आराम से एक एक चीज़ को हमने डिस्कस करने का कोशिश किया है। थोड़ा बहुत लेट भी हो गया होगा। अब हम इस पर एक बार क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जैक्टली जो मैं पढ़ा रहा था उसका बेनिफिट क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ताकि ये समझ पाए कि एग्जैक्टली जो हमने टाइम आपका 40 मिनट 45 मिनट लिया, क्या वो एक्चुअल में बेनिफिशियल था, ऐसा तो नहीं आपका टाइम बर्बाद हुआ। तो एक एक क्वेश्चन से अब मैं ये भी देखूंगा कि आपने कितना सीखा है। चलें फर्स्ट क्वेश्चन, 2020 का जो पैरा जो ओलंपिक होना था, अब तो ये शिफ्ट हो गया, उसका टाइटल क्या है, व्हाट इज द थीम, क्या टाइटल है, कॉमनवेल्थ गेम, एशियाई गेम, ये सारा का सारा हम करवाएंगे आपका, आप टेंशन मत लो। पहले आज ओलंपिक खत्म करते हैं, उसके बाद कॉमनवेल्थ, फिर एशियाई, ये सब करवाते हैं। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन आप करंट में इसको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको बताना चाहिए। चले दैट इज द यूनाइटेड बाई इमोशन, भावना के द्वारा संयुक्त, ये चलिए कोई बात नहीं, ये करंट का था, ये हमने नहीं पढ़ाया। आप यूनाइटेड बाई इमोशन हमने डिटेल दे रखा है, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट ओलंपिक हेल्ड, पहला ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था, तो अब हम आपको एक एक करके रिकॉल करा देते हैं। 1896 में हुआ था, 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये पहला ओलंपिक था, ये कहाँ हुआ था बताओ। पहला जल्दी जल्दी जल्दी, 1896, गुड, दैट वॉज द एथेंस। चलिए
विच स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग अबाउट फर्स्ट ओलंपिक, कौन सा पहले ओलंपिक के बारे में सही नहीं है, बताइए जल्दी से। फर्स्ट ओलंपिक के बारे में क्या सही नहीं है? जल्दी जल्दी जल्दी, वट इज नॉट राइट अबाउट फर्स्ट ओलंपिक? हम हट जाते हैं, ऑप्शन इज नॉट क्लियर, ऐसा बोल रहे हैं। एक ही ऑप्शन बोलेंगे तो हिंदी या इंग्लिश एक को क्लियर दिखा दें। ऑप्शन बोल रहे हैं क्लियर नहीं है, चलो इंग्लिश का ले लो। अभी भी कोई बोल रहा है कि नहीं क्लियर है तो झूठ बोल रहा है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बताइए जल्दी। आप ही में से कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो हमने कहा जी हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लो। कह रहे हैं इंडिया गोट द फर्स्ट पोजीशन, नहीं इंडिया गोट द 10th पोजीशन। क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था? तो जवाब है कि नहीं, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया ने पार्टिसिपेट कब किया था? क्वेश्चन आने के बाद हट जाए कि जी ओके मेरे दोस्त हट जाएंगे, जैसा आपका आदेश हो। अब तो मोदी जी ने भी सारे चाइनीज ऐप बंद कर दिए, तो अब तो आप लोगों को पढ़ने लिखने में मन लगेगा। कोई टिकटॉक वाला हो तो बुरा मत मानना भाई। इन विच ओलंपिक गेम इंडिया हॉकी टीम द फर्स्ट गोल्ड मेडल, भारत ने पहला गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में जीता था? एम्स्टर्डम। और ये वही ओलंपिक है जिसमें हमने कहा था आपसे कि पहली बार लैंप का यूज किया गया है। जल्दी जल्दी जल्दी, हमने डिटेल आपको बताया भी था कि क्रम याद रखना है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला और इसके बाद साथियों मिलता ही चला गया। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ नीचे सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डेली का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। कल से क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाएगी, आप लोग जो लोग नहीं थे वो जान लें। अब मेरी क्लासेस 10 से 11 हुआ करेंगी, 10 से जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा उतना लेंगे। 10 से 11 है 3 डेज ऑफ वीक यहाँ यूट्यूब पर, और 4 दिन अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में सेम टाइम पर, वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, तो आप वहाँ पर भी 4 दिन मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी ओलंपिक में पहली बार फ्लेम यूज किया गया था, यस। तो दोनों बातें हमने बोली थी, एक साथ याद रखनी है आपको। ऐसे याद रखो कि भारत का ज्योति जगमगा गया, तो दोनों बातें आपने क्लू बना करके रख लेना है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। फाइव रिंग्स क्या शो करते हैं बताओ? पांचों रिंग किसे शो करते? स्लिप पिंकी जी के सर, कल वाले की पीडीएफ नहीं मिली। कल क्या था? कल का पीडीएफ नहीं मिला, मिला होगा। टॉपिक क्या था कल बताओ जल्दी से। फाइव कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट किस कलर का? एशिया कौन से कलर से? एशिया इज येलो। ऑस्ट्रेलिया ग्रीन, यूएस अमेरिका रेड, यूरोप ब्लू, बच कौन सा गया? और बताओ किस गॉड के सम्मान में शुरू किया गया था? हमने कहा था ग्रीक गॉड।
जल्दी 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 बताया था अभी आपको। शुरुआत भी ग्रीस से हुई थी और ही वॉज द ग्रीक गॉड ज्यूस। सबका जवाब सही है, गुड। इसका मतलब है कि आप लोगों ने सीरियसली हमें देखा था। कौन सा बचा हुआ है चार के अलावा? ग्रीन, येलो, ब्लू। ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, येलो एशिया, ब्लू यूरोप, बच कौन सा गया? रेड यू अमेरिका। कौन सा बचा हुआ है? जल्दी जल्दी, दैट वाज द ब्लैक। ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अफ्रीका को। आप मेरे साथियों टॉपिक बताते रहें, हम आपका क्लास करते रहेंगे। कल हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? कल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करने वाले हैं, संवैधानिक आयोग, और फिर उसके नेक्स्ट डे उस पर हम क्विज डिस्कस करेंगे। चलें, और कोई टॉपिक आपको लगता हो कि वो कराना है तो वो बोल सकते हैं। कब वर्ल्ड वार के कारण ओलंपिक नहीं होना था? पीडीएफ कहाँ मिलता है सर के क्लास का, बताएं सर? पीडीएफ सब्सक्रिप्शन में देखें, नीचे अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लें डेली, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। बताएं जल्दी, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। आप जीएस को टॉपिक वाइज पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तो हमने बोला था कि 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वार, 1940 और 1944 सेकेंड वर्ल्ड वार। एक दो तीन, तीन लोगों का जवाब सही है, बाकी लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। ये हमने डिटेल बताया था आपको, ये कहाँ कहाँ होने थे वो देख लो एक बार। 1916 में बर्लिन में होना था, 1940 में एलेंस्की में, और 1944 में लंदन में। लेकिन ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कल का टॉपिक बताओ मुझे एक बार, कल क्या था? फीफा वर्ल्ड कप भी कराइए, करा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। मतलब मेरे दोस्त, कौन सा देश है जहां दो बार नहीं हुआ है? कौन सा देश है जहां दो बार नहीं हुआ है? जल्दी, एक ही बार हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री, हम रोज वहां विजिट करते हैं टेलीग्राम, किसी का मिलता है तो किसी का नहीं। मेरा ही नहीं मिलता होगा, बाकी सबका तो मिलता ही होगा। बताएं जल्दी से, इंडेक्स भी करा देंगे, टेंशन नहीं। मतलब एक एक दिन टॉपिक वाइज जो जो बोलते जाओगे कराते चले जाएंगे। दैट वॉज अ अटलांटा 1896, एक बार देख लो, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएंगे। एथेंस, जो पहला ओलंपिक हुआ है एथेंस में हुआ है, फिर अभी 2004 में हुआ था। पेरिस 1900 एंड 1924। लंदन वर्ल्ड का एकमात्र प्लेस है जहाँ 3 टाइम हुआ है। और अटलांटा, ये मुश्किल क्वेश्चन था, फालतू क्वेश्चन था, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका सबसे अधिक बार ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने वाला देश हो गया 1904। भारत ने इसमें हिस्सा लिया था? नहीं लिया था। 1932 लिया था, 1984, 1996, चार बार। फोक डांस भी करा देंगे, फोक डांस में कराने के लिए बहुत कुछ नहीं है यार, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। क्लासिकल डांस करा सकते हैं, क्लासिकल डांस 8 डांस होते हैं वो करा सकते हैं, या कुछ ऐसा करेंगे डांस पर ट्रिक वाला जो हमारा मेथड है वो करा देंगे। एक दिन कुछ एक क्लास छोटी सी लेके आते हैं ट्रिक वाली, स्टैटिक जीके की, उसमें हम देखेंगे कई सब सारी चीज़ें। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, हमने बताया था कहाँ पे इस्टेब्लिश है ये, कब आया था? 1894।
इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हमने कहा था इंग्लिश और फ्रेंच इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाग, जर्मनी। CHSL टेस्ट 1 की PDF सर। ओके ओके मेरे दोस्त, आज ही डाल देंगे दोनों PDF। 1894, लुस्वाने स्विट्जरलैंड, है ना? थॉमस बाग कहाँ के हैं ये? जर्मनी। कौन से नंबर के? 9th। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हमने कहा था इंग्लिश और फ्रेंच, ये याद रखना होगा आपको। आप तो हिंदी वाले खुश होंगे, उनके ठीक ही हिंदी भी लाओ, हिंदी भी लाओ, हिंदी भी ला दिया है। ये बताया था आपको कि व्हाट वाज द ओलंपिक मोटो? सिटियस, आल्टियस, फोर्टियस इन 1894। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ लव यू 3000 सर। थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे भाई, तारीफ करते रहो, मैं भी थोड़ा मोटा हो जाऊं। जल्दी 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 बताओ कि क्या मतलब है इस वर्ड का। ये भी कॉर्बेटर ने ही लेकर के आए थे, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, तेज, ऊंचा और बलवान। चले, महिलाओं ने कब एंट्री ली थी ओलंपिक में बताओ? इसी में भारत ने पहली बार एंट्री ली थी। सर ऐसे ही रहोगे? ठीक है जी, नहीं कोई बात नहीं, तुम तारीफ तो कर दो, तुम कह दो कुछ अच्छा सा। भारत पहली बार इसी में पार्टिसिपेट किया था, और भारत की तरफ से किसने मेडल जीता था? नॉर्मन पिचर्ड ने, वो भी 2 सिल्वर मेडल जीता। चलें, 1900 पेरिस। बताओ फ्लेम, ओलंपिक फ्लेम को पहली बार कब एक्सेप्ट किया गया? सॉरी, ओलंपिक फ्लैग, नॉट फ्लेम। जल्दी जल्दी जल्दी, ओलंपिक फ्लैग बताया था अभी आपको। देखो सारे क्वेश्चन वही हैं। इसका ओलंपिक फ्लैग का कलर कैसा होता है? वाइट होता है, है ना? और 3/2 के रेशियो में होता है, 3 meter into 2 meter। और इस पर अलग अलग कलर का लोगो बना होता है। कुछ लोग कह रहे हैं 28 में तो फ्लैम आया था, हम फ्लैग पूछ रहे हैं। तो फ्लैग वाज द 1920 एंटवर्प, 7th ओलंपिक। यस गुड, पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेंगे आप। हमने कोशिश ये किया है साथियों कि आपको कुछ और ना पढ़ना पड़े इस टॉपिक पे, जो भी टॉपिक हम पढ़ा दें, पूरा थियरी, पूरा क्वेश्चन। अब मान लो 50-60 क्वेश्चन कर लोगे ओलंपिक ओलंपिक पे, उसके बावजूद भी कुछ और पढ़ना पड़े तो मेरा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना दोनों का सिर्फ टाइम बर्बाद करने का प्लान होगा। और हम कुछ भी आपको फालतू चीज़ नहीं पढ़ाते, ये ध्यान रख लेना। यदि हमारा प्लेलिस्ट उठा के देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। हु वाज द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक? बताओ आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है? इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई थी, ये फ्रांस के थे,
इसीलिए इनके सम्मान में ही इंग्लिश और के साथ साथ फ्रेंच को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया है। सर आप एक टॉपिक हिस्ट्री का उठाइए और ख़त्म कर दीजिए, आपके पढ़ाने से तरीका फास्ट और बेहतर है। हाँ हम आपके साथ एक भी फालतू बात नहीं करेंगे, आपके एक एक मिनट का यूज़ करेंगे, हमारा मोटो ये है कि हम आपके टाइम को और बेहतर बना सकें, आपके टाइम को और उपयोगी बना सकें। तो कौन था ये? पियरे डे कुबर्टन, इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एस्टैब्लिश की थी, ही वाज फ्रॉम फ्रांस। चले ये नाम याद रहने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल एट द फर्स्ट ओलंपिक? बताओ, ये हमने जानबूझ के नहीं बताया था, ये आपको बताना चाहिए। पहले ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल जीतने वाला देश? गोल्ड जीतने वाला सबसे अधिक देश कोई और है, और मैक्सिमम मेडल जीतने वाला सबसे अधिक देश कोई और है, बताओ। तो सबसे अधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? ग्रीस के पास, 46। गोल्ड जीतने वाला सबसे अधिक रिकॉर्ड किसके पास है? यूएसए, अमेरिका के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस। पहले पोजीशन पे कौन था? अमेरिका, क्यों जो गोल्ड ज्यादा जीतेगा वो। दूसरे नंबर पे ग्रीस, तीसरे नंबर पे जर्मनी। यस, ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक ज्योति हिंदी में तो है ही नहीं। ओलंपिक फ्लेम कब आया था? हमने बोला था कि ये वही गेम है जिसमें भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल लिया है, और ये 9th ओलंपिक है। दिमाग लगाओ और बताओ जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। फ्लेम किसका प्रतीक है मेरे बच्चों? दैट इज अ कंटिन्यूटी, सतत, एंशिएंट टू मिडवे मॉडर्न तक लेकर के आने का। कौन सा? 1928। और फ्लैग वाला कौन सा था? 1920। चले चलो, हमने बताया था कि जब किसी देश में ओपनिंग सेरेमनी होगी तो सबसे लास्ट में कौन होगा? सबसे अंत में, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में कौन होगा? सबसे फर्स्ट में तो हमने बता दिया था, सबसे लास्ट में कौन होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। तो अब सबसे फर्स्ट में होता है ग्रीस, और सबसे लास्ट में होता है होस्टिंग कम। तो जी पहले आएगा और एच बाद में, और उसके बीच में बाकी लोग अल्फाबेटिकली आते रहेंगे। चलो, सबका जवाब सही है, गुड। ये हमने सिखा दिया था आपको। जो लोग गलत करें इसका मतलब उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। चलो, हमने बताया है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ? स्विट्जरलैंड। कब? 1894। हु इज़ द चेयरमैन? थॉमस बाग। विच नंबर? 9th नंबर। कहाँ से? जर्मनी से। जल्दी जल्दी जल्दी। हमने कहा था कि इंग्लिश तो है ही है, और एक और लैंग्वेज है, दैट वाज द फ्रेंच। क्यों? कुबर्टिन कहाँ के थे? फ्रांस के। तो उनके सम्मान में हमने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को रखा हुआ है। चले, हमने बताया था आपको
ओलंपिक गेम को कितने दिनों में कवर करना जरूरी होता है? 20 डेज, 15 डेज, 12 डेज, 16 डेज। ये हमने आपको बता दिया था, ओलंपिक खेल को कितने दिन में पूरा करना है, जल्दी बताइए। यदि आपको लगता हो कि आपको पढ़ाने से फायदा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, तो थोड़ा बहुत लाइक शेयर कर देंगे, और नहीं मज़ा आ रहा तो बिल्कुल डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट में बताना कि क्या दिक्कत है। और ये नहीं कि मरे हुए के तरीके से देख रहेंगे, ठीक है ना, हम लाइक करेंगे ना डिसलाइक करेंगे, तो ऊपर वाला सब देख रहा है, ध्यान रखना। तुम लाइक ज़्यादा करते तो हमारी क्लासेस 30 के 30 दिन होती। कितने दिन हमने बताया था? 16 डेज, 16 दिन। चलें, पहली बार ओलंपिक गेम में ओथ, शपथ दिलाने की प्रक्रिया की कब शुरुआत की गई थी? हल्का सा बोला था, लेकिन इसको लिखवाया नहीं था कि ओथ शपथ दिलाना कब शुरू किया गया। यदि आप बता पाए तो बेहतर है। पूरा सपोर्ट है, सपोर्ट है तो फिर मारो लाइक और ठोको शेयर। लाइक कर दिया सर, अभी 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 करने से कोई फायदा नहीं है, ना तो शुरू में ही करना था। लेकिन हम अपना पूरा 100% देंगे, आप अपना 100% देंगे नहीं देंगे, हम अपना 100% देंगे आपको। दैट वाज द, याद नहीं आया, 1956 याद करना, 1920 फ्लैग, 1928 फ्लैम, 1956 आपका ओथ, ये तीनों याद रखना, यही तीन बार बार आ रहा है ना। फ्लैग कब शुरू किया गया, फ्लैम कब शुरू किया गया, शपथ देने की प्रक्रिया कब शुरू की गई। चल सबसे अधिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने का खिताब किसके पास है? हमने बताया था, एक क्लास में कितना लाइक चाहिए होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा एक टाइम अलॉट होता है, उतने घंटे पढ़ाने होते हैं, तो हम टाइम तो बहुत कम अलॉट है, हम पढ़ाते जाते हैं आपके साथ। सर थोड़ा बगल हट जाते तो स्क्रीनशॉट ले लेते। क्यों स्क्रीनशॉट लेना, आपको हम पीडीएफ ही दे रहे हैं, आपको पूरा पीडीएफ मिलने वाला है, आपको टेंशन नहीं पालना है। और उसके बाद स्क्रीनशॉट तो तब लेंगे जब आपके पास पीडीएफ नहीं होगा। दैट वाज द माइकल फ्लैप्स, है ना, 2008 बीजिंग ओलंपिक। अब तक इन्होंने टोटल मेडल कितने जीते हैं? ओवरऑल 28 मेडल जीत चुके हैं। सबसे योग्य स्विमर माने जाते हैं ये, और मतलब मोस्ट बेस्ट प्लेयर एक तरीके से कह लें ओलंपिक अब तक का, तो ये हैं, यूएसए के हैं। '96 में जो विश्व का पहला ओलंपिक हुआ है, तो पहला व्यक्ति जिसने ओलंपिक, सर कितना कमाते हो मेरे दोस्त, लड़कियों से उसकी उम्र, लड़कों से उसका इनकम, और स्टूडेंट से उसका मार्क्स नहीं पूछना चाहिए, ईगो हर्ट होता है। बताओ, ये यूएसए के हैं, इन्होंने रेस पारा है, यस पारा जंपिंग, दैट इज द जेम्स कॉर्नोली या कॉर्नोली, पूरा डिटेल हमने दे रखा है, आप इनके बारे में पढ़ लेंगे। फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन, ये हमने बताया था आपको,
पहली ओलंपिक महिला चैंपियन कौन है? तू निका, मैं ये पूछता कि सर ऐसे पढ़ाओ कि मुझे फायदा हो, ऐसे पढ़ाओ कि ये मजा आए, ये ऐसे ये मेरा टॉपिक पढ़ा, तू पूछ रहा सैलरी कितनी मिलती है, देख के लग रहा है सैलरी मिलती होगी, मतलब रुलाना चाहते हो तुम, देख के तो ऐसा लग रहा है सर जो है वो भी छीन लिया गया है ना। पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन है? आपने सीखा था कि पहली बार महिलाएं कब शामिल हुई थी 1900 में, और जीतने वाली कौन थी? चार्लोट कूपर। हमने कहा था कि कब से याद रखना है पहली महिला जर्नलिस्ट कूपर। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला इंडिविजुअल मेडल जीतने वाला व्यक्ति तो कौन था? ये पहली महिला तो है कर्णमलेश्वरी। मजे आ गए ना, जो तुम दिल से बोलना चाहते तो वही बोल गया मैं। दैट वॉज द के डी जाधव। कब? 1952 है ना। कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज मेडल। वैसे पहला जीतने वाला कौन था 1900 में? दो सिल्वर मेडल लेके आया था। इन विच ऑफ दिस ओलंपिक गेम ध्यानचंद कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग द इंडियन हॉकी टीम। जब भारत को गोल्ड मेडल मिला तो किस ईयर में ध्यानचंद इंडियन ओलंपिक टीम के कैप्टन थे? हम आपको क्लू दे देते हैं, इसके बाद लगातार कई बार तक सर ऐसी क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। नॉर्मन पिचर्ड था पहला, यस। इसमें बताओ ध्यानचंद किस गोल्ड मेडल में भारतीय टीम का चेयरमैन के रूप में कार्य किए थे? अब टिकटॉक पे मुजरा देखने को नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। जो लोग स्टार एक्टर जो थे टिकटॉक पे, वो लोग भी तो बेरोजगार हो गए। मोदी जी ने उनको ही बेरोजगार कर दिया, रोजगार दे नहीं रहे और बेरोजगार और किए जा रहे। कल क्लास कहाँ होगी? कल 99% ही होगी, कल से एग्जैक्ट सीरियल क्लियर पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति बताओ। हम आपको क्लू देते हैं, शूटिंग में मिला था। जल्दी जल्दी जल्दी, पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति शूटिंग में। सर लास्ट क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन दोस्त ध्यान से देखो। बर्लिन 1936, मैंने आपको क्लू दिया तो था कि इसके बाद नहीं हो पाया था ओलंपिक। 44 में सब बताया, आप शायद लेट से आए हैं। YouTube पे ही तो मजा है, जब मन कर तब ज्वाइन कर लीजिए और पूछ लीजिए कि एक्सप्लेन करो। दैट इज द अभिनव बिंद्रा। चलें, और ये एकमात्र अब तक गोल्ड मिलने वाला एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। पहला शहर जिसे समर और विंटर दोनों ओलंपिक करने का मौका मिला है, पहला और बल्कि एकमात्र ही है। सर डेली ही क्लास चाहिए,
करेंगे करेंगे, इस महीने थोड़ा सा टाइम दो, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाओगे। बताओ जल्दी, हमने बताया था ही आपको। यस, 2008 में समर और 2022 में विंटर, कहाँ पर? विजिंग। चलिए, फर्स्ट विंटर ओलंपिक वाज हेल्ड इन विच ईयर? हमने बताया था कि सेम ईयर में हो गया था विंटर और ओलंपिक, बाद में आकर के विंटर ओलंपिक के बीच में दो दो साल का गैप किया गया। चेमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। सर गोली नहीं मारेंगे, क्या खेलेंगे कुछ भी बोलते हैं मेरे दोस्त आप लोग। अभी तो एसएससी ने आपकी बैंड बजा रखी। बताओ फर्स्ट विंटर ओलंपिक कब हुआ था? ये मैंने बताया था आज, पहला विंटर ओलंपिक। यस, 1924, 1924। फर्स्ट समर ओलंपिक, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको समर दे दिया गया। यदि ये नहीं दिया था और सिंपली पूछा जाता कि फर्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, तब भी शायद आप सही जवाब दे पाते। हो सकता है इसमें से भी आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए। आप बताइए कब से हिस्ट्री की टॉपिक शुरू करेंगे? आप मेरे दोस्त टॉपिक बताइए, हिस्ट्री में कौन सा पढ़ना है, वो टॉपिक हम अपनी सुविधा से किसी भी दिन पीपीटी बना करके और तुरंत जल्दी जल्दी खत्म करवा देंगे। टॉपिक तो आपको बताना होगा, पूरी हिस्ट्री ना तो आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, ना हम डेली पढ़ा सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। टॉपिक बताइए जिसमें इसमें आपको दिक्कत है, वो टॉपिक करा देंगे। तो कौन सा था? 1896। कितने देशों ने? 13 देशों ने। कौन सा देश टॉप पे था? ग्रीस। विच कलर रिप्रेजेंट द एशिया? बताओ जल्दी से, पांचों कलर हमने बताए थे आपको, ब्लैक, अफ्रीका, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, रेड अमेरिका, ब्लू यूरोप, बच कौन सा गया? येलो पीला। मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे नहीं मेडिवल या वर्ल्ड नहीं, टॉपिक टॉपिक कि सर मुझे दिक्कत होता है, जो सिख गुरु है उसमें मुझे दिक्कत होता है सर, मुगलों में मुझे दिक्कत होता है सर, सल्तनत में मुझे दिक्कत होता है, मनसबदारी में मुझे दिक्कत होता है, एकता में, ऐसे टॉपिक बताएंगे तो आपको फायदा होगा। वेयर डिड द 2018 विंटर ओलंपिक हेल्ड? 2018 का विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? बताओ, शीतकालीन ओलंपिक। जियोपॉलिटिक्स, एंशियंट बुद्धिस्ट, गांधीयन एरा, बौद्ध धर्म। ठीक है ठीक है ठीक। तो ये कहाँ पे हुआ था साथियों? साउथ कोरिया। चले, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक? He is the ninth chairman of International Olympic. He is from Germany. बताओ कौन है? आप मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री करवा दीजिए मॉडर्न पहले, हम आपको दिल्ली सल्तनत करवा दे क्या? दिल्ली सल्तनत करवाए थे पहले। ही इज द थॉमस बाग। अब ये बताओ कल करवाएं, परसों करवाएं, कब करवाएं? थॉमस बाग। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू
ज्वाइन इंटरनेशनल ओलंपिक, पहली महिला, भारतीय महिला जिसने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ज्वाइन किया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी को ज्वाइन करने वाली पहली महिला। तरीका यही रहेगा, पहले थियरी करवाऊंगा ऐसे ही जल्दी जल्दी, और फिर आपका एमसीक्यू करवाऊंगा। स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, हम आपका एक एक मिनट अच्छे से यूज़ करवाएंगे, टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो सी इज़ द नीता अंबानी, पैसे का गेम है। युद्ध नहीं आता एग्जाम में, क्यों कंफ्यूज रहते हो? चार पांच मिनट में, तो 5 मिनट का काम है सारे युद्ध जो भी इंसेंट मिनट बल के। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी, भारतीय ओलंपिक कमेटी। हमने कहा था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 206 देशों के नेशनल ओलंपिक कमेटी को ऑथोराइज किया है, तो भारतीय ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो भारतीय ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन नरेंद्र बत्रा है। चले, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है, ये हमने बताया था, पहली महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है। जल्दी जल्दी, बताओ। सिडनी ओलंपिक में जीता है। दैट इज द कर्णम मलेश्वरी, सिडनी ओलंपिक 2008। दो हजार अट्ठारह के विंटर ओलंपिक में किस देश को बैन कर दिया गया था डोपिंग की वजह से, वेट लिफ्टिंग में है? यस कर्णम मलेश्वरी, बताइए। विंटर ओलंपिक में 2018 में डोपिंग की वजह से किस देश को प्रतिबंधित कर दिया गया था? ये विंटर ओलंपिक कहाँ, साउथ कोरिया में होना था, दैट इज द रसिया, रूस। चले, 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ होना है? हमने बताया था कि पहला शहर बन गया है जिसने 2008 में समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया था, और 2022 में पहली बार वहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा, और ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक ही शहर में दोनों आयोजित हो रहा, दैट इज द बीजिंग। चलें चाइना, पहला इंडियन जिसने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है, ये क्वेश्चन अभी आया था, बताइए गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला इंडियन। शूटिंग में है, और ये हुई है, दैट इज द अभिनव बिंद्रा। और मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि यदि आपने ईमानदारी से इसको सीरियसली किया होगा तो अब दिक्कत नहीं आएगी आपको ओलंपिक वाले टॉपिक में। कल दिल्ली सल्तनत पढ़ा देते, आप पढ़ के आइएगा, थियरी और क्विज दोनों एक साथ चला देंगे। बताओ 2018 का ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश कौन सा है? दैट इज द नॉर्वे। ये कौन सा विंटर ओलंपिक था, कहाँ पर? कोरिया में। भारत ने पहला गोल्ड मेडल हॉकी में कब जीता? मैंने कहा था पहला जिस बार फ्लेम का यूज किया गया, जिसमें ज्योति ही ज्योति हो गई, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो भारत का प्रकाश कब आएगा? जब फ्लेम, दैट इज 1928। हमने बताया कि हॉकी में हमने 11 मेडल जीते हैं जिसमें से 8 गोल्ड मेडल जीते हैं।
दो ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। सबसे अधिक बार ओलंपिक को होस्ट करने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक बार ओलंपिक को होस्ट करने वाला देश कौन सा? बताओ। तो हमने कहा था कि सबसे अधिक बार ओलंपिक को होस्ट करने वाला देश कौन सा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। कितनी बार? चार बार। कब कब? देख लो एक बार, 1904, 1932, 84 और 1996। चले, और सिटी वाइज पूछा जाता तो सबसे अधिक बार लंदन। कितनी बार? तीन बार। ...2018 का जो विंटर ओलंपिक हुआ था, ये हमने बताया था कि इम्पोर्टेंट है, उसका फ्लैग किसने पकड़ा था, झंडा किसने पकड़ा हुआ था भारत की तरफ से? तो समर ओलंपिक जो 2016 में हुआ है उसका किसने पकड़ा है? अभिनव बिंद्रा में। और विंटर ओलंपिक 2018 में किसने? शिव केसवन। सभी लोग गलत कर गए ना? नहीं, कुछ लोग सही भी दे रहे। 2018 में अभिनव बिंद्रा, 16 में समर ओलंपिक। आजादी के बाद जब भारत ने 1948 में हॉकी में गोल्ड मेडल लिया, तो उस समय इसका कैप्टन कौन था 48 का? दैट वाज द किशन लाल। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंस? 1952 में भारत में पहला मेडल जीता आज़ादी के बाद, ब्रॉन्ज एज ए इंडिविजुअल, और ओवरऑल पहला नॉर्मन पिचर्ड ने जीता था सिल्वर 1900 में। तो बताओ किसको मिला था? ये दिया ही है, नॉर्मन पिचर्ड। कब? 1900 में। किशन लाल हॉकी टीम के कैप्टन, और दिस इज द केडी जाधव, है ना? चले, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। विच एथलीट इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम? ओलंपिक का अनअकैडमी पे क्लास की उन्होंने कल से होगी प्रॉपर इसी टाइम। बताओ सबसे डेकोरेटेड, सबसे बढ़िया प्लेयर किसे कहते हैं? 11 पीएम कल से शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे, अनु टेंशन मत लो। तो हमने कहा था माइकल फ्लैप्स 18 मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं, अमेरिका के हैं। तो ये आज के लिए सेशन को 28 मेडल हमने कहा था और 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे, अमेरिका के हैं। और ये क्या स्विमर हैं, क्वेश्चन नहीं समझे। मतलब सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी कौन सा, सबसे अच्छा खिलाड़ी किसको माना जाएगा ओलंपिक का, ये मतलब था इस क्वेश्चन। सर क्या आप पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे? तो बिना अनअकैडमी पढ़ाए अनअकैडमी का टी शर्ट पहने घूम रहा हूं मैं। हाँ अनअकैडमी पढ़ाता हूँ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सर फॉरनर इतना मेडल कैसे जीतता है? फॉरनर को डर है, जज्बा है, जुनून है, ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है, फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं। हम तो 2 साल एसएससी नहीं पास करते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। चलें आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, मस्त रहिए,
अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और कल मिलते हैं फिर रात को 10 बजे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।